हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी सीएचएसएल के यूट्यूब कोर्स में। मैं हूं सौरभ और आज हम जो गणित में पढ़ने वाले हैं वो है सम ऑफ सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ऐसे मत समझिए कि हम इसको टॉपिक वाइज ही देखेंगे, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को भी कहीं ना कहीं एनहांस करता है। इसका जो एप्लीकेशन है वो केवल यही नहीं, आपके एवरेज में भी अगर आगे यहाँ जो फॉर्मूलाज हम सीखेंगे यूज होगा। मेंसुरेशन के कुछ सवाल भी ऐसे बन जाते हैं जहां जीपी का फॉर्मूला लगता है, यहां तक के सर्च इंडाइसिस में मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था उसमें भी यूज होता है, और आगे चल के हम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में, वहां पे भी आपके कहीं ना कहीं जो फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे यहां पे वो यूज होगा। तो ये पूरे कोर्स का डिजाइन ही मैंने इस तरीके से किया है कि आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीजें पता चलते चले जाए, और आगे भी मैं कुछ चीजें को यूज करूं तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कोई नई बात बता दी, आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करते जाना है। तो इस वीडियो में जो पढ़ेंगे हो सकता है इसका एप्लीकेशन आगे किसी वीडियो में भी हो, तो सारी चीजें कनेक्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के पहले अगर आप यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होती है वहां पे भी हम उसको अपलोड करते हैं। इसके बाद अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम यहां पर जैसे अपलोड हो जाता है यूट्यूब में उसके कुछ समय में हम कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में इसको अपलोड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक वेबसाइट में जाकर रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लीजिए, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपटीशन कम्युनिटी का वेबसाइट दिया हुआ है, वहां जाना है आपको, रजिस्टर करना है अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद फिर आप यहां पे पीडीएफ जो प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यही नहीं, पिछले दो हफ्ते में आपको 100-100 सवाल के एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिल गए होंगे चारों सब्जेक्ट से, 25-25 जैसे कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में आते हैं। हालांकि इसमें बात यह है कि जो टॉपिक हमने कवर किया है वो 25 सवाल उस वीक में उन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल जो एग्जाम में होता है उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ये एक रिवीजन के तौर पे आपका प्रैक्टिस भी अच्छा से हो, इसीलिए हमने वहां पे इस तरीके से 25-25 सवाल जो टॉपिक्स उस वीक में कवर हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन उस 100-100 के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट से भी आपके लगभग 200 सवाल अभी तक आपको मिल चुके होंगे, आशा करता हूं आपने उसको लगाया होगा। जो भी डाउट है वो आपसे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, नेचुरल नंबर्स। यानी कि पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था, प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब हम प्राकृतिक संख्याओं में कैसे एडिशन होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर्स जो है वो क्या होते थे, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिसकी गिनती आप एक से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से इनफाइनाइट तक अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं एक से शुरू होकर, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। ये सारी चीज हम पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। अब हो सकता है कुछ लोगों को फॉर्मूला पसंद नहीं आए, लेकिन आपको ये फॉर्मूला यूज करना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्यों जरूरी है वो मैं बता देता हूं। अगर हम यहां पर 1+2 की बात करें तो आपका जवाब होगा सर ये तो 3 होता है। अगर मैं 1+2+3 करूं तो आपका जवाब होगा सर ये तो 6 होता है। यदि मैं आपसे पूछूं बताइए 1+2+3+4+5 इस तरीके से अगर आपको 100 तक जोड़ना है तो क्या आप 10 सेकंड के अंदर जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, आपको काफी समय लग जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना जरूरी है जिसमें एन क्या है, एन आप नोट करके रखिए, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी जितने पद हैं, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। एन जो होता है आखिरी पद नहीं होता है, एन होता है जितने पद हैं उसकी संख्या होती है। तो जब हम पहले एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने की बात कर रहे हैं तो इसमें जो एन होता है वो आखिरी टर्म के बराबर होता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। लेकिन जब हम पहले n नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने की बात कर रहे हैं, तो एक से स्टार्ट कर कहां रुकोगे, n पे ही जाके तो रुकोगे। इसलिए जो लास्ट टर्म होता है वो आपके इसके बराबर ही होता है,
यानी कि यहाँ 3 जो है वो n बन जाएगा, यहाँ जो 2 है ये भी n बन जाएगा, यहाँ पे जो 100 है वो n बन जाएगा, क्योंकि जितने टर्म है वही आपका लास्ट टर्म भी बन जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी वैल्यूज जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसको अगर फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो इसको आप समीशन 100 से भी लिखते हैं। समीशन 100 का मतलब 1+2+3 ऐसा चलता रहेगा, कहां तक? 100 तक। समीशन 100 का मतलब यही होता है, 1 से स्टार्ट करके 100 तक जाना, जो कि क्या होगा तो 100 × 101/2, 2 से काटोगे तो 50 आएगा, यानी 50 ये हो जाएगा इसका सम। क्लियर है सम कैसे निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे सम ऑफ। यहां पर अब सेकेंड फॉर्मूला जो हमें याद करना है वो है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम सम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाज्य होती है। तो नेचुरल नंबर में ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, केवल इसका जब हमें सम निकालना है तब हम क्या करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के बाद क्या आएगा तो 4 आएगा, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स है। 4 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा? 8। इस तरीके से चलता रहेगा और आखिरी जो टर्म है वो बन जाएगा 2n। ध्यान दीजिएगा, आखिरी टर्म यहां पे क्या होता है? 2n होता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा सम अप टू 50, 50 तक, तो अब यहां पर आप n इक्वल टू 50 डालने की गलती मत करना, क्योंकि ये जो आखिरी टर्म है ये बराबर क्या होता है, जब हम इवन नंबर्स के सम की बात कर रहे हैं तो ये होता है 2n, मतलब ये बराबर 2n होगा। क्योंकि देखिए पहले टर्म में हमने 2 डाला और दूसरे टर्म में हमने 4 डाला, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में हमने क्या डाला? 4। तीसरे टर्म में हमने 6 डाला, चौथे टर्म में हमने 8 डाला, मतलब जस्ट डबल डाल रहे हैं। तो nवें पद में क्या डालोगे? 2n डालोगे, तो ये 2n हो जाएगा बराबर 50। तो नंबर ऑफ टर्म की जब बारी आएगी तो वो होंगे 25। मतलब कोई आपसे पूछे कि बताइए कि फर्स्ट एन यानी कि पहले 25 नेचुरल नंबर का सम क्या है, तो वो 2 से स्टार्ट होके 50 तक का सम है, जिसमें हम ऑल्टरनेट नंबर्स ले रहे हैं, एक को छोड़ के एक ले रहे हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8 और फिर 50। या डायरेक्टली भी इस तरीके का सीरीज बन गया कि 2 से फिर 4 फिर 6 8 50 का सम निकालना है, तो इसमें एन बराबर 25 होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 25 × 26। कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन याद करने की कोशिश करिए, क्या होता है 25 का स्क्वायर + 25, यानी 650। ये हमने पहले वीडियो में यानी कि बेसिक कैलकुलेशन में सीख रखा हुआ है, तो यहां मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं की जब बात होती है, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो सबसे पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद क्या आएगा? फिर 3 आएगा। 3 के बाद ऑड क्या होता है? तो 5 होता है। फिर क्या होगा? 7 होगा। इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई 99 तक हम जाएंगे तो बताइए सम क्या होगा? अब इसमें सबसे पहली बात, एन को 99 डालने की गलती नहीं करना, क्योंकि एन यहां पर 99 नहीं है। एन ये 99 क्या है? तो लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म बराबर एन केवल और केवल यहां होता है और यहां, इन दोनों में नहीं होता। ठीक, अब एक पहला टर्म था, 3 दूसरा टर्म था, मतलब देखिए हो क्या रहा है, जो भी टर्म है पहले टर्म का हमने क्या किया? दुगना करके इसका -1 किया। दूसरे टर्म का हमने दुगना किया और -1 किया। तीसरे टर्म का हमने दुगना किया और -1 किया, तब जाके तीसरा टर्म निकला। चौथे टर्म में क्या हो रहा है? ये फोर्थ टर्म है जिसका दुगना करोगे 8 आएगा, माइनस का 1 करने पर 7 आ रहा है। मतलब जो आखिरी टर्म है वो 2n-1 के बराबर होगा, यानी nth टर्म का डबल करना पड़ता है और उसके बाद -1 करने पर जो टर्म है वो निकलता है। तो ये हो जाएगा 2n-1 = 99। तो 2n बराबर हो जाएगा 100। तो n बराबर क्या होगा? तो n बराबर 50 होगा, 50। क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है? तो 50 है। 50 का स्क्वायर बताइए, 50 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500। तो 1 से लेकर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसा करते हुए 99 तक गए तो 50 टर्म निकले और 50 का स्क्वायर करने पर वैल्यू आता है 2500। क्लियर?
तो ये चीज का ध्यान रखना कि n क्या है, तो n है नंबर ऑफ टर्म्स, और ऑड वाले में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो आखिरी पद को यानी लास्ट टर्म को आपको 2n-1 के बराबर करना होगा, वहां से n निकलेगा और फॉर्मूले में आप डालोगे n जो कि था 50 का स्क्वायर 2500 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, यानी अगर हम पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर बोल रहे हैं तो ये होता है समीशन n का स्क्वायर। समीशन n का स्क्वायर का मतलब क्या है, एक का स्क्वायर, फिर आएगा दो का स्क्वायर, फिर आएगा तीन का स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा चार का स्क्वायर, इस तरीके से चलता रहेगा। और ये कहां तक जाएगा, तो ये n के स्क्वायर तक जाएगा। मतलब यहां पर भी आपका जो आखिरी टर्म है वो n स्क्वायर के बराबर होगा, शर्त यह है कि एक से स्टार्ट हो रहा है, फिर दो का स्क्वायर आया, फिर तीन का स्क्वायर आया, इस तरीके से ये n स्क्वायर के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, n गुणे एन प्लस एक, दो एन प्लस एक बटा छः इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, मैं इसके रिलेटेड सवाल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। आखिरी में आपका जो है क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, बस आप इसको याद कर लीजिए, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, इसका पूरा का पूरा आपको वर्ग निकाल लेना है, स्क्वायर कर देना है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू निकालने के बाद उसका एक बार स्क्वायर कर लीजिए, और स्क्वायर करने पर आपका उत्तर आ जाएगा, क्लियर। तो ये तो कुछ बातें हो गई, ठीक है। इन फॉर्मूलेस को अच्छे से नोट करके रखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको जस्ट इस लेक्चर के बाद मिल जाएगा। कंपटीशन कम्युनिटी के जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करना होगा, ठीक है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश करते हैं, कुछ सवाल देखेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे ये फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, दिया हुआ है द सम ऑफ 20 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 500, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द 20 नंबर्स। तो 20 अलग अलग धनात्मक पूर्णांकों का योगफल जो है वो 500 है, तो इन 20 संख्याओं में सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा। तो देखिए, ये जो 20 नंबर्स है, थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू अमंग दीज होगा, अमंग दीज 20 नंबर, यानी इन 20 नंबर में सबसे बड़ा जो संभावित मान हो सकता है वो हमें निकालना है। देखिए, यहां पर जो डेफिनेशंस यूज हुए हैं उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करिए। सबसे पहले डिफरेंट वर्ड इसने यूज किया और पॉजिटिव इंटीजर, यानी अलग अलग बोला, और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ही क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी जो एक से स्टार्ट होता है और दो फिर तीन इस तरीके से आता है, उसी को हम नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। ये हमने देखा हुआ था पिछले वीडियो में। तो अगर हम यहां पर 20 नंबर को जोड़ रहे हैं एक साथ, x1 x2 x3 ऐसा जोड़ते हुए टोटल हमने 20 संख्या ले ली x20 तक, और यहां पर हमने इसका जो सम निकाला, तो सम निकालने पर कितना आ रहा है, तो 500 आ रहा है, 500। सवाल यह पूछ रहा है कि सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल यह पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या, संभावित संख्या, पॉसिबल क्या हो सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें। तो मान लेते हैं कि मैंने एक संख्या को मैक्सिमम बनाना है, इसे मुझे सबसे बड़ी संख्या यानी मैक्सिमम नंबर बनाना है, सबसे बड़ी, ठीक, सबसे बड़ी संख्या यदि आप एक को बनाते हैं तो बाकी सभी संख्या को क्या करना होगा। आपका जवाब होगा, सर सबसे, उन सभी को सबसे छोटे होने चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास घर में सपोज करिए 20 लोगों को, किसी को अगर हमें 500 चॉकलेट बांटने हैं, 500 चॉकलेट बांटने हैं जिसमें से सबको मिलना चाहिए कुछ चॉकलेट और सबके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो एक सबसे ज्यादा कितना मिल सकता है ये आपको निकालना है। तो मैं कह रहा हूं, एक को अगर सबसे ज्यादा देना है तो बाकी 19 लोग जो है उनको सबसे कम देना पड़ेगा, और सबसे कम देने का मतलब सबसे छोटे इंटीजर से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से, जो कि होता है 1, यानी पहले वाले नंबर, पहला वाला जो व्यक्ति है इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको तो मैक्सिमम देना था तो सबसे छोटा कम इसको दे दिया। अब क्योंकि अलग अलग होने चाहिए, तो जैसे ही आपने यहां पर डिफरेंट वर्ड लगा दिया अलग अलग, तो एक के बाद अगला जो सबसे छोटा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर बचता है वो 2 बचता है,
और दो किसी एक व्यक्ति को दे दिया, दो चॉकलेट निकाल के दे दिया सपोज करिए, तो अब अगले वाले को दो नहीं दे सकते, नहीं तो एक दे सकते हैं, आपको देना होगा तीन, यानी कि अब थ्री आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा और टोटल 19 होगा ये, प्लस जो x1 है, अब ये जो x1 बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा प्लस x1, ये है x का मैक्सिमम वैल्यू जो कि अब यहां से 1 का वैल्यू आएगा। एक से लेकर 19 तक जब जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, ये होता है 19 इंटू 20 बटा 2 और प्लस में यहां पर आएगा x1, ठीक, 2 से काटोगे तो 10, 190 बराबर हो गया 500, 190 माइनस करोगे दूसरे तरफ ले जाकर तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 310 हो जाएगा, 310 हो जाएगा, क्लियर, तो 310 यानी कि बी जो है सवाल का सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये जो आंसर मैंने यहां पर लिखा है ऐसा क्यों है आपको समझ में आया होगा, एक को बड़ा करने के लिए बाकी 19 को छोटे करने पड़ेंगे, लेकिन सबको एक नहीं दे सकते क्योंकि अलग अलग शब्द यूज किया गया था, अलग अलग मतलब कि एक को एक दिया तो अगले को दो देना होगा, उसके बाद तीन, फिर चार, ऐसे करके 19 लोग जो छोटे होंगे वो 19 तक खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जितने भी बचेंगे वो मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ज्यादा आप किसी एक को और नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे आप दोगे तो यहां पर एक वाला जो है, अब अगर एक भी मैं इससे ज्यादा देता हूं तो बाकी लोग को फिर इससे कम नहीं दिया जा सकता दो से, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा बन जाएगा जिसको जीरो मिल रहा है जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, इसलिए आपको कम से कम एक से तो स्टार्ट करना जरूरी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 131 होल नंबर्स, यानी कि प्रथम 131 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक हमें निकालना है। इकाई अंक के ऊपर एक पूरा वीडियो आएगा, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अगर मुझे 23 इंटू 47 इंटू 92 निकालना है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट के लिए आपको केवल यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लीकेशन करके रिजल्ट निकालना होता है। पिछले वीडियो में मैंने एक ट्रिक भी बताया था, एक ऑप्शन जो था, कुछ वीडियोस थे पिछले हफ्ते के, पिछले हफ्ते वाला जो वीडियो था सिंप्लीफिकेशन का, उसमें मैंने यूज भी किया था, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा। अभी के लिए बस ये समझ के रखिए कि जब इकाई अंक निकालना है यूनिट डिजिट, तो आपको यूनिट डिजिट के अलावा जो भी नंबर है, ये दो का कोई मतलब नहीं है इसमें, चार का कोई मतलब नहीं है, नौ का कोई मतलब नहीं, आपको केवल इकाई अंक का मतलब है। तो 3 × 1 = 7, 21 होता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट एक आएगा, और यहां से इसमें दो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल यूनिट डिजिट 2 आएगा, क्लियर। अब इस सवाल में हम देखते हैं, तो सवाल कह रहा है कि पहले 131 होल नंबर्स, तो सबसे पहला होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे पहला पूर्ण संख्या होता है 0, इसके बाद अगला पूर्ण संख्या होता है 1, सेकेंड पूर्ण संख्या 2 होता है, इसके बाद आता है 2, फिर आता है 3, मतलब कि फर्स्ट होल नंबर 0 है, सेकेंड होल नंबर 2 है, थर्ड होल नंबर सेकेंड वाला 1 है, थर्ड वाला 2 है और फोर्थ वाला 3 है, तो 131st जो होल नंबर होगा वो क्या बनेगा, तो 130 बनेगा, मतलब जितने नंबर का होल नंबर उससे एक कम वहां पे एक्चुअल संख्या निकल के आएगी। अब जब इसका सम निकाल रहे हैं तो इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर आप इसको जोड़ने की कोशिश करें तो ये 0 का तो कोई मान है ही नहीं, और ये जो बन गया यहां से यहां तक ये नेचुरल नंबर बन गए, और नेचुरल नंबर के फॉर्मूला क्या होता है, तो n into n plus 1/2 होता है। इसमें कितने नेचुरल नंबर है, तो 130 है, 130 पद है, तो इसमें फॉर्मूले में आप 130 डालोगे मल्टीप्लाइड बाय 131 डिवाइडेड बाय 2, दो से इसको काटोगे तो यहां पर 65 आ रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया यहां 5 है, यहां पर 1 है, तो 5 into 1 करोगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, आगे जो भी वैल्यू आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो ये वाला 13 और ये वाला जो 6 है इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ 5 था, यहाँ 1 था, तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो है वो 5 ही आएगा, तो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, यहां दिया हुआ है n बराबर 1, फिर 11, फिर 111, 1111, इसके बाद 1111, यहां पे कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, ठीक, 9 बार हमारा एक पे जाके खत्म हो रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा था इसका, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट, सबसे पहली बात जब आप 9 बार एक को जोड़ रहे हैं तो ये जो आखिर वाला एक है वो 9 बार आएगा,
इसके पिछले वाला जो एक है वो 8 बार आएगा। इस तरीके से आप इसको 9876543 2 1 इस तरीके से हम इसके सम को लिख सकते हैं, यानी n का वैल्यू यही आएगा, है कि नहीं? क्योंकि आखिर वाला एक तो एक ही बार आएगा, इसके पिछले वाला एक 2 बार आएगा, इसके पिछले वाला एक 3 बार आएगा, और ये जो आखिरी वाला एक है सब में है, सभी संख्याओं में है, तो ये 9 बार आएगा, तो इसका सम तो ये होगा। अब सवाल में निकालना क्या है, तो सवाल में निकालना है एन के अंकों के वर्गों का योगफल। तो एन के अंक क्या है उसको थोड़ा गौर करिए कि एन के जो अंक है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंकों के वर्गों का योगफल निकालना है, मतलब क्या निकालने को कह रहा है, एक का स्क्वायर करने को कह रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा हमको कहां तक जाना है, ऐसा हमको 9 के स्क्वायर तक जाना है। और जैसे ही मैं एन के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यानी समीशन एन के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, यही होता है, जिसमें एन बराबर 6 है। क्लियर? एन यहां पे डालोगे तो एन इंटू एन प्लस वन यानी 10, 18+1=19/6, 2 से काटोगे तो यहां 5 आएगा, 3 से काटोगे तो ये बन जाएगा आपका 3, मतलब टोटल हो गया 15 × 15 × 19। तो यहां से आप या तो यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, या आप डिजिटल सम भी देख सकते हैं, या पूरा सॉल्व करना चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां से 5 आएगा, ऊपर आएगा 13, और 15 जोड़ने पर 285 जो है इस सवाल का सही उत्तर होगा, ए जो है सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां दिया हुआ है 10³ + 12³ + 14³, ऐसा चल रहा है तो कहां तक चल रहा है, 20³ तक चल रहा है। तो हम क्या जानते हैं, हम तो जानते हैं भाई 1³ + 2³, इस तरीके से अगर 3³ और यहां तक अगर n के क्यूब तक चले, तो इसका वैल्यू हम जानते हैं n × n+1/2² यही हम जानते हैं। लेकिन जब आप इस सवाल को देखेंगे तो सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1³ से चालू हुआ, 2³ आया, फिर 3³ और n के क्यूब तक आया। इसी प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जो आपके डायरेक्टली आंसर ना दे, तो इसको कुछ हमको जोड़ घटा के कुछ इस तरीके का मान लाना होगा जो इसके बराबर। सबसे पहली बात कैसे ला सकते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 2-2 के डिफरेंस में चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 2³ कॉमन निकाल लूंगा। 2³ कॉमन निकालने पर पहला वाला वैल्यू बन जाएगा 5³, दूसरा जो था ये बन जाएगा 6³, तीसरा जो बन जाएगा ये 7³ बन जाएगा, और आखिर वाला जो वैल्यू जो 20³ था वो बन जाएगा 10³। तो थोड़ा सा तो हम यहां पर एक स्टेप आगे बढ़े कि डिफरेंस जो 2-2 का चल रहा था उसको मैंने 1-1 का डिफरेंस कर दिया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहां पे, कि यहां 1 से स्टार्ट होता है 1³, 2³, 3³ ऐसा आता है 10³ तक, और यहां क्या होता है, यहां पर 5³ से चालू हो रहा है, मतलब आपको 1³ से लेकर 2³, 3³ और 4³ एक्स्ट्रा अपने मर्जी से जोड़ना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा जोड़ने का मतलब उसी चीज को मुझे आगे घटाना भी पड़ेगा, यानी 1³, 2³, 3³ से लेकर 4³ मैं जोड़ूंगा भी और उसको मैं घटा भी दूंगा। तो चलिए ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर 2³ तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर मैं 1³ + 2³ + 3³ + 4³ जोड़ देता हूं, ठीक है, और फिर यहां से आते हैं 5³ से और चलते हैं आखिर तक जो कि है 10³ तक, ठीक है। यानी मैंने क्या जोड़ा, तो मैंने ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया, और क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा तो मुझे एक्स्ट्रा इसको माइनस भी करना होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हम जब स्क्वायर या क्यूब का सम निकालते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए और कंटिन्यूअसली कहीं एक नंबर n पे जाके खत्म होना चाहिए। तो ये आ गया 1 से लेके 10³ तक, जिसका फॉर्मूला है n × n+1/2² तो अब सवाल बन जाएगा 8 से। देखिए 8 का मल्टीपल देखेंगे तो सभी 8 के मल्टीपल है, तो आप फंस जाएंगे, तो इसको पूरा करना ही होगा। मतलब यह है 10 × 11/2² माइनस यहां से आपका आ जाएगा 4 × 5/2² ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 × 8 × ये बन गया 55² माइनस यहां से आपका आ जाएगा 10² ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 8 × 55² होता है 5 × 6 = 3025 और माइनस का 100 आएगा, मतलब ये 2925 बन रहा है। कितना आ रहा है, 2925। 25 × 8 करोगे तो 200 होता है, 2 कैरी फॉरवर्ड, 72 + 2 करोगे तो 74, 16 + इतना करोगे
तो 23 आ जाएगा, 2340। तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिए, ऐसा सवाल आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आने के चांसेस खूब रखते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहां पर अभी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सवाल को पहचानिए और देखिए कि हम यहां पर क्या लगा सकते हैं कि इस तरीके के सवाल को हम सॉल्व कर सकें। चलिए, अब मैं यहां पर कुछ ऐसी चीज यूज करूंगा जो पहले वीडियो में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो यहां पर यूज करने वाला हूं। जैसे कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। जैसे 1 × 2 है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 × 3 है, 2 × 3 का मतलब यह होता है 2 स्क्वायर + 2 लिख सकते हैं। ठीक, 3 × 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर + 3 लिख सकते हैं, ऐसा चल रहा है ये, 4 स्क्वायर + 4। आखिर वाले वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर + 19 लिख सकते हैं, छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या या बड़ी संख्या का स्क्वायर प्लस बड़ी संख्या, ऐसा तोड़ सकते थे। तो यहां हो क्या गया, समझिए, ऐसा करने पर अगर मैं रीअरेंज करता हूं, स्क्वायर वाले को इकट्ठा लिख लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर हो गया, इस 2 के स्क्वायर को इकट्ठा लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर कहां तक चलेगा, 19 के स्क्वायर तक चलेगा। और यहां से देखते हैं तो 1, 2, 3 ऐसा चल रहा है, 1 + 2 + 3 कहां तक जाएगा, तो 19 तक जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां सबसे पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, तो n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, समीशन n × n + 1 × 2n + 1, ठीक, बटे में 6 आ जाएगा, और समीशन n का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये 19 है, तो 19 × 20 आएगा, और 19 का दुगना होता है 38, 38 + 1 करोगे तो 39, बटे में 6 आएगा यहाँ पे। अगले वाले में n × n + 1, यानी 19 × 20 / 2 से काटोगे तो यहाँ 10 आ रहा है। ठीक, 3 से काटोगे तो यहाँ पर आपका 13 बनेगा, और 2 से काटोगे तो यहाँ 10 बनेगा। ठीक, तो 19 × 10, ये 19 × 10 को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी 190 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां 13 बचेगा, यहां 1 बचेगा, 13 + 1 का मतलब क्या, 14, तो मैं यहां पर 14 लिख सकता हूं इसकी जगह, यहां पर 13 बच रहा है, यहां 14 बच रहा है, तो 1 बच रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टली 14 लिखा जा सकता है। तो आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, 0 और फिर 6 आना है यहां पर। ठीक है, तो 14 9 जा, ठीक है, 6 यहां पे आएगा, 4 9 जा, यहां पे 6 होता है, 14 9 जा 126, तो 12 आएगा यहां पे, फिर 19 जोड़ोगे तो 266 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहां आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, अब 1 से लेकर आप 61 तक गए, जोड़ते गए, फिर 61 से कम होते वापस 1 पे आए, इसका आप शॉर्ट ट्रिक नोट करके रखिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको यहां पे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, हम स्टार्ट किए थे 1 से, हम स्टार्ट किए थे 1 से, फिर आया 2, फिर आया 3, सपोज यहां पे मैं 2 और 1 इस तरीके से लिखता हूं, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं 1 + 2 + 1, या फिर मैं लिखता हूं 1, तो 1 + 3, 2 + 1 क्या होता है ये समझिए पहले, 1 + 2 + 1 होता है 4, 1 + 2 + 3 6 होता है, 6 + 2 + 8 + 1 करोगे तो 9 होता है। इसी प्रकार अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 करूं, ये होता है 10 + 3 करूंगा 13 + 2 करूंगा 15 + 1 करूंगा 16 आ रहा है। तो ये कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, ये 9 क्या है, तो 3 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है, तो 2 का स्क्वायर है, और ये तो 1 था, तो 1 का स्क्वायर के बराबर ही है। तो यहां पर आइडेंटिफाई करिए कि इस पैटर्न में हो क्या रहा है, हम क्या किए, हम 1 तक रुके तो 1 का स्क्वायर आए, हम 1 + 2 करके वापस 1 तक आए तो 2 का स्क्वायर, मतलब बीच में जो टर्म था उसके स्क्वायर के बराबर वैल्यू है। 1 + 2 + 3 किया, फिर 3 से वापस 2 आए, फिर 1 किया,
तो यहां बीच में जो टर्म था तीन तीन का स्क्वायर किया, ये तीन के स्क्वायर के बराबर है, ठीक। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार किया, बीच में चार आया, फिर वापस थ्री टू वन तक गए, तो यहां बीच में जो टर्म था फोर का स्क्वायर आया। मतलब कि अगर आप वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस इस तरीके से चलते हैं, फिर एन माइनस वन आता है, प्लस करते हैं एन आता है, फिर वापस आप यहां से एन माइनस वन इस तरीके से छोटे नंबर तक थ्री प्लस टू प्लस वन करते हैं, इसका वैल्यू एन का स्क्वायर ही होता है, ठीक, बीच वाले टर्म का स्क्वायर होता है। अब यहां से हम समझते हैं इसका वैल्यू। यहां जो वैल्यू चल रहा है इसमें बीच में 61 आया था, तो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका वैल्यू 61 का स्क्वायर होगा, 61 का स्क्वायर। और 61 का स्क्वायर देखते साथ आपको समझना चाहिए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, मतलब 61 जो है इसका उत्तर होगा, सी जो है सवाल का उत्तर है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझने की बस देरी होती है, सॉल्व करने में आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब एक से लेकर 100 तक गए, फिर 100 के बाद रिवर्स हो गया, तो 100 का स्क्वायर आंसर होगा, मतलब जो बी है, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 100 का स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक। 100 स्क्वायर मतलब 10,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समानांतर श्रेणी, जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये कहीं ना कहीं समानांतर श्रेणी से ही बना हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इसमें यूज हुआ है, ठीक है। तो ये होता क्या है पहले समझिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इन अ सीरीज इज सेम, देन इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि किसी श्रेणी में क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है वो समान होता है तो इसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक। यानी कि अगर आप सपोज करिए कि मैं कुछ ऐसा सीरीज लिखूं जिसमें क्रमागत संख्या जो है कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद जो एक संख्या आ रही है, तो उन सभी संख्याओं में अगर सेम डिफरेंस है, इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि समान जो अंतर आया है, और इसी श्रेणी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी, नाम ही इसका समानांतर श्रेणी, ठीक। तो सबसे पहली बात एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है 2, 5, 8, 11, 14, 17। इस श्रेणी में आप देखेंगे तो 2 और 5 में 3 का अंतर, 5, 8 में भी 3 का अंतर, 8, 11 में भी 3 का अंतर, 11, 14 में 3 का अंतर, 14, 17 में 3 का अंतर, ये चलता जा रहा है। तो इस तरीके का जो भी सीरीज आप बना सकते हैं जिसमें कंसेक्यूटिव जो टर्म्स बन रहे हैं इन सब में जहां डिफरेंस सेम है, जैसे इसमें 3 है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, बस यहां पर हमने 3 का एग्जाम्पल लिया, 3-3 का डिफरेंस है, ऐसे कोई भी सीरीज बन रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। नेचुरल नंबर्स क्या है, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर 4, फिर 5, तो नेचुरल नंबर्स क्या है, तो नेचुरल नंबर्स भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। इसमें डिफरेंस जो चल रहा है एक एक का डिफरेंस चल रहा है। ऑड नंबर्स की सीरीज देखोगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे नंबर्स है, इसमें भी देखोगे तो 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसमें भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंस 2-2 का 2 चल रहा है इन सभी में, क्लियर। तो ये सारी इवन नंबर्स की सीरीज हो गई, ऑड नंबर्स की सीरीज हो गई, या नेचुरल नंबर की सीरीज हो गई, ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है एक तरीके से, क्योंकि कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है इसमें डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। समझ में आ गया डेफिनेशन समानांतर श्रेणी का। अब इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले समझते हैं पहले, फिर वो आए कैसे और क्या होंगे फॉर्मूले समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अब मुझे फर्स्ट टर्म कहना है, यानी पहला पद जो कहना है, तो पहला पद को यदि मैं ए कह लेता हूं, फर्स्ट टर्म जो है इसको हम ए कह लेते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों में जो डिफरेंस चल रहा है उसको हम यदि डी से लिखते हैं, तो ए क्या है, ए को आप लिखिए, ए का मतलब है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस चल रहा है, अंतर जो चल रही है समान अंतर वो है, ठीक। तो पहला टर्म अगर ए है तो अगला टर्म ए प्लस डी होगा, क्योंकि इन दोनों में अंतर डी का आना चाहिए, और जैसे ही आपने एक बार डी जोड़ दिया तो अगले वाले में फिर एक बार और डी जुड़ेगा तो 2D बन जाएगा, अगले वाले में एक बार और डी जुड़ेगा तो 3D बन जाएगा। तो पहले पद में कोई डी नहीं था, दूसरे पद में एक बार डी था, तीसरे पद में 2 बार डी था, और चौथे पद में कितना डी था, तो 3D था। पांचवें पद में कितना डी होगा, ए प्लस 4D। तो इसी तरह से अगर nth टर्म की बात करें तो जितना टर्म चल रहा है उससे एक कम डी आ रहा है, तो जो nth टर्म होगा, nवा पद होगा, वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी। क्या ये समझ में आया आपको, मैं कह रहा हूं पहले पद में d नहीं था, दूसरे वाले में 1D था, तीसरे वाले में 2D था, तो चौथे वाले में 3D हुआ,
अच्छा वाले में चार डी होगा, तो एनवे पद में ए प्लस एन माइनस वन डी होगा, जितना टर्म है उससे एक कम डी होता है। तो यही है अगला पॉइंट कि जो nth टर्म होता है एपी का वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसको हम टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला ऐसा क्यों दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ए क्या है तो ए प्रथम पद है, एन क्या है कि एनवा पद जो चल रहा है वो है एन, और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो श्रेणी है समानांतर श्रेणी इसके बीच का अंतर है। चलिए सम अप टू एन टर्म्स, अब देखिए सम अप टू एन टर्म्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी बटा दो। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें गौर से तो इसको आप एन इंटू ए प्लस एल बाय टू लिख सकते हैं, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस डी होता है, फर्स्ट टर्म ए है और एल जो है ये आपका लास्ट टर्म है, आखिरी पद है। ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने देखा सम अप टू एन टर्म्स का, ठीक है, इसमें ये वाला जो टर्म है इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब यहां से ए हो गया पहला पद और ये आपका हो गया लास्ट पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यही तो आपका लास्ट टर्म बन गया, यही आपका लास्ट टर्म बन गया, यानी कि एन टर्म है। तो nth टर्म को हम लास्ट टर्म जब मान लेते हैं तो ये आपका जो है a प्लस एन माइनस वन डी बन जाता है, जिसको हम l से रिप्रेजेंट l से हटा के लिख सकते हैं a प्लस l बाय दो और गुणे में n। मतलब आप इस बात को समझे कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको सम चाहिए तो आपको तीन चीजें चाहिए, एक पहला टर्म, एक आखिरी टर्म और उसमें कितने टर्म है। n आपको चाहिए, पहला टर्म चाहिए, आखिरी टर्म चाहिए, अगर आपके पास कितने टर्म है n है, पहला पद है और आखिरी पद है, बटे में आपको दो कर देना है, इन दोनों को जोड़ के n से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय टू कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां से समझते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो पता चल गया, n कैसे निकालना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज करते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखिए, ठीक, टी एन बराबर क्या है तो ए है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं इस a को दूसरी तरफ ले जाऊं तो n माइनस वन इंटू डी जो होगा ये बराबर हो जाएगा टी एन माइनस ए, ठीक है। अगर मैं d को डिवाइड करूं तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा टी एन माइनस ए डिवाइडेड बाई डी। एक को दूसरी तरफ भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा टी एन माइनस का a डिवाइडेड बाई डी प्लस का एक, टी एन माइनस का ए डिवाइडेड बाई डी प्लस का एक हो जाएगा, ठीक। तो आपको अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यह निकालना है कि पहले टर्म से हम स्टार्ट करते हुए एनवे पद तक गए तो एन कितना है, जैसे कि इवन नंबर के सीरीज में हम क्या कर रहे थे, आखिरी टर्म को टू एन माइनस वन कर रहे थे, सॉरी आखिरी पद को टू एन बराबर कर रहे थे इवन नंबर के सीरीज में, और जो ऑड नंबर ऑफ सीरीज वाली चल रही थी उसमें हम टू एन माइनस वन बराबर को आखिरी वाला पद कर रहे थे। इसी प्रकार अगर आपको n टर्म्स निकालना है तो आखिरी पद और पहले पद का डिफरेंस लीजिए, अंतर लीजिए, बटे में कॉमन डिफरेंस कर लीजिए, प्लस का एक कर लीजिए, इतने टोटल टर्म्स होंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से कुछ चीजें नोट डाउन करना चालू करिए। यदि आपको दिया गया है कि तीन टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि तीन पद है जो कि एपी में है, यानी कि या तो ऐसा भी दे सकता है कंसेक्यूटिव टर्म्स भी कह सकता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, बीच वाले टर्म को आप लेंगे ए, इससे जो बड़ा टर्म है उसको a प्लस डी ले लीजिए और इससे जो छोटा टर्म है उसको a माइनस डी ले लीजिए, क्योंकि ap यानी समानांतर श्रेणी का डेफिनेशन बस इतना ही कहता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो d होना चाहिए, जो कि हमने सेटिस्फाई कर लिया है। आप खुद देखेंगे तो इन दोनों में d का डिफरेंस, इन दोनों में भी d का डिफरेंस, बराबर। तो अगर आप इस तरीके की कोई सीरीज बना सकते हैं तो वो सबसे बेहतरीन होगा कि आप बीच वाली संख्या को a लीजिए, इससे बड़े वाले को a प्लस डी, इससे छोटे वाले को a माइनस डी। अगर पांच पद कहता है तो इसमें एक बार और यहां a प्लस डी टू डी कर लीजिए और यहां पे a माइनस टू डी कर लीजिए, कब, जब पांच पद कहता है। सात पद कहेगा तो वहां फिर से d जुड़ जाएगा, यहां फिर से d माइनस, इस तरीके से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। कब, जब विषम संख्याओं की बात हो रही है, तीन पद की बात हो रही है, पांच पद की बात हो रही है, सात पद की बात हो रही है, नौ पद की बात हो रही है, ऐसे केसेस में। और अगर आपको ऐसा दिया गया है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे कि चार पद है समानांतर श्रेणी में,
ऐसे केस में आपका कॉमन डिफरेंस बनेगा 2d का, यानी कि 2 टाइम्स d का आपका कॉमन डिफरेंस बनेगा। आपको टर्म क्या क्या लेना है, तो ये आपका बनेगा a माइनस डी ए प्लस डी, ये आपका बीच के दो टर्म बनेंगे। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि अंतर कितने का, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2d का डिफरेंस है, माइनस करोगे तो a कट जाएगा, d माइनस माइनस d करोगे तो 2d का डिफरेंस, इसमें फिर से 2d जोड़ेंगे तो आएगा क्या a प्लस 2d, यानी 3d बन जाएगा, इसमें फिर से 2d माइनस करोगे तो यहां आएगा a माइनस 3d। ठीक, तो इसमें भी 2d का डिफरेंस, इसमें भी 2d का डिफरेंस, तो ये चलता रहेगा। ठीक, चलिए, तो सभी में 2d का डिफरेंस चल रहा है, तो अगर ये चार की बात कर रहा था तो यहां इतने लेंगे हम टर्म्स, अगर छह टर्म की बात कर रहा है तो इसमें फिर से आपको 2d जोड़ना होगा, मतलब a प्लस 5d एक आगे ले लेंगे और a प्लस a माइनस 5d एक पीछे ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका छह टर्म। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहां से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है वो 2030 है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीस बोल रहा है। ठीक, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 2030 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात, तीन कंसेक्यूटिव अगर हम नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर का मतलब इसमें डिफरेंस जो होगा वो एक एक का होगा, ये हम जानते हैं। तो बीच की संख्या को मैं ले लेता हूं x, इससे बड़ी संख्या को ले लेता हूं x प्लस एक, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें एक होगा, और सबसे छोटी संख्या को x माइनस एक ले लेता हूं। अब दिया क्या है, थ्री, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव, थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो वर्ग है उसका सम जो है 2030 है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x माइनस वन का स्क्वायर ले लूंगा, प्लस यहां x स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर, इन सभी के वर्गों के स्क्वायर के बराबर क्या है 2030 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा, एक बार x का वैल्यू निकल गया तो वहां से हमारा जो है सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस का वन होगा, प्लस यहां एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, जो कि हो जाएगा 2030। ठीक, प्लस का 2x, माइनस का 2x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, एक यहां पे प्लस का 2 हो गया, जो कि है 2030 के बराबर। अगर 2 को हम निकाल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 3x स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 2028 के बराबर, करेक्ट। यहां से अगर हम 3 को काट लेते हैं, 3 को काट लेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा किसके बराबर, 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा ये 3 से, फिर 22 आ रहा है तो 7 बार, फिर 18 आ रहा है तो 6 बार। अब 676 क्या है, तो 676 है 26 का स्क्वायर, मतलब x क्या हो गया, तो 26 हो गया, क्योंकि ये क्या है 26 का स्क्वायर है 26 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो 26 हो गया। मतलब कि तीन जो वैल्यूज थे उसमें से सबसे बीच वाला जो वैल्यू था वो था 26, सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा 27, सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा 25। अब बताइए निकालना क्या था, हमें निकालना था इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो हो जाएगी 1, क्लियर है। इसी तरह हमें सवाल लेने हैं, जब भी आपको तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहा है या कोई समानांतर श्रेणी की बात कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का, यहां दिया थ्री नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 45 and the product is 3135, then what is the largest possible number in this arithmetic progression? तीन संख्या जो समानांतर श्रेणी में है उसका जोड़ 45 है और गुणनफल इतना है, तो बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या। मैंने आपको अभी अभी बताया कि तीन संख्या जब प्राकृतिक संख्या आपको दी गई है या arithmetic progression में दी गई है, तो पहली संख्या a ले लीजिए यानी 20 की संख्या, इससे बड़ी एक संख्या को a प्लस डी दीजिए, छोटी संख्या को a माइनस डी दीजिए, तो इससे होगा क्या, तीनों को जोड़ने पर 45 बन रहा है, तीनों को जोड़ने जाओगे तो यहां माइनस का डी और प्लस का डी तो कट ही गया, मतलब 3a जो है a प्लस a 3a बनेगा जो कि 45 के बराबर है, और 3 से काटने पर बन जाएगा 15, तो a का वैल्यू क्या आएगा, तो 15 आएगा, 15 आएगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि बीच की संख्या 15 है, बीच की संख्या 15 है और इससे बड़ी संख्या 15 प्लस डी है, और सबसे छोटी संख्या 15 माइनस डी है।
अब डी को कैसे निकाला जाए, ये तो हो गए तीन संख्या क्या क्या थे, तो इस ऊपर वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो बीच की संख्या हमने निकाल दी 15 है, अब हमें निकालना है कि डी का वैल्यू क्या, कैसे निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट इतना है, यानी इन तीनों नंबर्स का गुणनफल इतना है, तो गुणनफल कैसे निकलेगा, एक 15 को अलग लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए यहां पर ये a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी करोगे तो 15 का स्क्वायर आएगा माइनस डी का स्क्वायर आएगा, ठीक, जिसका वैल्यू क्या है, तो 3135, 15 से यदि काटोगे तो दो बार कटेगा 0 और 9 है, 209 आ रहा है, मतलब 225 माइनस का 209 करोगे तो ये डी स्क्वायर के बराबर है, यानी डी स्क्वायर किसके बराबर है, तो 16 के बराबर है, 16 यानी इसको स्क्वायर रूट लोगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा 4, अगर डी का वैल्यू 4 है मतलब ये 15, 15 में 4 जोड़ने पर सबसे बड़ा वैल्यू 19, 15 में 4 माइनस करने पर सबसे छोटा वैल्यू आएगा 11, मतलब तीन नंबर्स की जो हम बात कर रहे हैं उसमें से एक नंबर 11 है, दूसरा 15 है और तीसरा 19 है, सबसे बड़ी नंबर निकालनी थी, लार्जेस्ट नंबर, तो आंसर आपका हो जाएगा 19, क्लियर है। चलिए आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा जिसमें मैंने तीन नंबर लिया है। एक सवाल आपके लिए यहां पर अगला है जो कि यहां पर चार नंबर वाला क्वेश्चन है, यानी कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, तब क्या करना है, 20 इसका सम दिया हुआ है, तो सेम चीज हम फॉलो करेंगे, रेशियो जो है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर्थ का और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड थर्ड का वो 2:3 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बताना है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, समानांतर श्रेणी में जब चार पद है जिसका योग 20 है, तो आपको मैंने बता रखा है a माइनस डी लेंगे और a प्लस डी लेंगे, इससे बड़ी जो टर्म रहेगी उसको a प्लस 2d लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस 2d का हो गया, और सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d हो जाएगा, सॉरी ये 3d होगा ना, ये वाला 2d नहीं होगा, ये 3d होगा, ठीक, क्योंकि 2d का डिफरेंस हो रहा है। अब अगला स्टेप क्या है कि इन सबका योगफल जो है वो 20 है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, 3d माइनस और 3d प्लस कट जाएगा, माइनस d का प्लस d कट जाएगा, यानी a प्लस a प्लस a प्लस a करोगे तो 4a आएगा, 4a बराबर होता है 20 के, तो 4 से काटोगे ये बन जाएगा 5, मतलब कुल मिला के a का वैल्यू क्या है, तो 5, a का वैल्यू 5 आते साथ जितने भी a दिख रहे हैं उसको हटा के हम क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे, तो ये जो a दिख रहा है, ये जो a दिख रहा है, ये जो a दिख रहा है, इन सभी a की जगह मैं लिख लेता हूँ 5, मतलब जो नंबर हमारे पास है वो है 5 माइनस 3d, 5 माइनस d, 5 प्लस d और 5 प्लस 3d। अब ये पहला नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर, तो पहले और चौथे का जो गुणनफल है, पहले और फोर्थ का गुणनफल यानी 5 माइनस 3d और 5 प्लस 3d, तो बन जाएगा 25 माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय, पहले दूसरे तीसरे का करोगे मल्टीप्लीकेशन तो 25 माइनस का डी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं समझ सकता हूं कि आप लोग अब तक समझ पा रहे होंगे, अगर आपने सारे वीडियोस देखा तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर और 3d का स्क्वायर क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में जो हो जाएगा 9d का स्क्वायर, इसका रेशियो 2:3 दिया है तो ये बराबर हो जाएगा 2/3 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखिए क्या होगा, ये 3 निकल के यहां आएगा तो 75 बना देगा 75 माइनस का 27d स्क्वायर, ये 2 निकल के यहां जाएगा तो आ जाएगा 50 माइनस में यहां से आ जाएगा 2d स्क्वायर, ठीक, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहां से 25 का जो d स्क्वायर है ये बराबर 25 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के डी स्क्वायर बराबर 1 है, मतलब d जो है वो आपका 1 के बराबर है। जैसे ही d बराबर 1 आ गया तो यहां जितने भी d है इसको अब मैं हटा देता हूं, d का वैल्यू 1 हमें डालना है, तो जितने भी 1 आपको दिख रहे हैं, d दिख रहे हैं उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, मतलब कि हमारे जो नंबर्स है चार नंबर्स, 5 माइनस 3d करोगे तो पहला नंबर बन जाएगा आपका 5 माइनस 3 यानी 2, दूसरा नंबर 5 माइनस d यानी 4, तीसरा नंबर 5 प्लस d यानी 6, चौथा 5 प्लस 3d मतलब 8, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी तो 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं इस तरीके के सवाल में क्या अप्रोच रहता है ये आपको समझ में आने लगा होगा। अब हमें निकालना है यहां पर कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 जो कि 7 से डिविजिबल है, तो 100 से 300 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है जो कि 7 से विभाजित होते हैं। तो सबसे पहली बात, 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो 100 से बड़ी है वो होगा 105,
इसके बाद आएगा 112, इसके बाद आएगा 119, ये चलता रहेगा। और आप जानते हैं 280 जाएगा, फिर आएगा 287 और लास्ट में 294। ठीक है, इसके आगे नहीं जा सकते, 300 से बड़ा हो जाएगा, और यहां पर इसके पीछे नहीं जा सकते, 100 से छोटा हो जाएगा। इन सभी नंबर का आपसे योगफल पूछ रहा है। तो सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सम बराबर क्या होता है, तो n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला पद प्लस लास्ट। तो पहला पद जो है n, अगर हमें निकालना है वो कैसे निकालना है देखेंगे। पहला पद क्या है 105, आखिरी पद क्या है 294। ठीक है, और n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू कैसे निकालना है, तो मैंने n का वैल्यू निकालना सिखाया था, मैं आपको एक और तरीका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे n निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा सबर रखिएगा। अभी n कैसे निकालना है फॉर्मूले से, वो हो जाएगा आपका 294 माइनस 105, ठीक, डिवाइडेड बाय, यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस है 7, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 189 बटे 7 प्लस 1, 189 7 से काटोगे तो दो बार जाएगा 14, फिर 49 आ रहा 7, 27 प्लस 1 यानी 28 आ रहा 28। ठीक, मतलब n जो है नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स जो है वो 20th है, तो यहां मैं 28 लिख लेता हूं n के जगह पे। ठीक, कैसे निकाला, लास्ट टर्म tn माइनस 1 फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 1, ये फॉर्मूला भी हमने देखा हुआ था। ठीक, अब इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 14, 14 बार कटेगा ये। डिजिटल सम देखते हैं, तो यहां पे 5 आ रहा है, यहां पे 5 का डिजिटल सम आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय इसका देखते हैं तो 6 प्लस में यहां 9 और 6 मतलब 3 का डिजिटल सम यहां से, फिर 15 का डिजिटल सम, 15 यानी टोटल 6 का डिजिटल सम। तो 6 का डिजिटल सम कहां आ रहा है देखते हैं, यहां पे आपका 6 का डिजिटल सम आ रहा है, ये तो ठीक है। यहां देखेंगे तो ये भी 6 का डिजिटल सम आ रहा है, ये भी सही, ये भी उत्तर हो सकता है। अगला वाला देखेंगे तो यहां पर आपका 28, इसमें भी 6 का डिजिटल सम है, और लास्ट वाले में भी आपका डिजिटल सम जो है कहीं ना कहीं यहां पे 2 का डिजिटल सम है, तो ये नहीं हो सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट देख सकते हैं। यूनिट डिजिट हम देखेंगे तो यहां 14 4 है और यहां 9 है, तो 4 इंटू 9 करने पर यूनिट डिजिट जो बनता है वो 6 का बनता है, तो 6 का यूनिट डिजिट केवल यहीं पे आ रहा है, तो यहां पर आपका उत्तर ए हो जाएगा। तो मैंने आपको डिजिटल सम वाले वीडियो में भी बताया था कि दो चीजें हमको कैलकुलेशन फटाफट बताती है, एक तो यूनिट डिजिट और दूसरा इसका डिजिटल सम। तो डिजिटल सम में अगर दो तीन ऑप्शन में आप फंस गए तो वहां पर आप यूनिट डिजिट एक बार चेक करिए कि किसका यूनिट डिजिट फंस रहा है। तो यहां पर 4 और यहां 9 है, तो 4 इंटू 9 करोगे 36 आता है, यानी 6 यूनिट डिजिट बनना चाहिए। ठीक, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं इस n को कैसे निकाला जाए और फटाफट तरीके से। तो सबसे पहली बात, 1 से 100 तक 7 से जो डिविजिबल होंगे वो कितने नंबर होंगे, तो 100/7 आपको करना होगा, जो कि 14.28 के आसपास आएगा। तो आपको ये हटा देना है 28, 14 ऐसे नंबर होंगे जो 100 से कम है, यानी 100 या 100 के बराबर है, जो 7 से डिविजिबल है। अब 1 से लेकर 300 तक 7 से डिविजिबल वाले कितने नंबर होंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय 7 करना होगा, जो कि हो जाएगा 4 28, 20 आ गया, 20 का मतलब 242 पॉइंट यहां पर कुछ आएगा आगे 8, इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, तो अगेन आपको ये हटा देना है 8, यानी कि 42 नंबर जो है वो ऐसे होंगे जो 300 या 300 से छोटे हैं और जो 42 से यानी 7 से कट रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे नंबर चाहिए थे जो 100 से 300 के बीच में हो, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो 28 आएगा, मतलब n बराबर क्या है 28 है। तो ये दूसरा तरीका है n निकालने का। n निकालने का एक तरीका मैंने फॉर्मूला बताया, ये पसंद नहीं आया तो इस तरीके से आप उसको n कितने हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो 7 से डिविजिबल नंबर 100 से कम थे वो थे 14, कैसे किया, 100 को 7 से डिवाइड करके जो वैल्यू आया उसमें से डेसिमल पार्ट हटा देना है। ठीक, तो ये इंक्लूडिंग 100 है, यानी 100 को मिलाकर इतने नंबर होंगे 300 से छोटे, 300 को मिलाकर जो टोटल वैल्यू है वो 42 है, लेकिन 300 तो कटता ही नहीं है 7 से, ना 100 कटता है। तो ऐसे केस में आपको इंक्लूडिंग वाले केस में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 7 यहां से डिवाइड करेंगे, 14 नंबर ऐसे थे जो 100 से कम थे, 42 नंबर ऐसे जो 300 से कम थे, दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, माइनस कर लिया, तो यहां पर 28 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इफ द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अ सीरीज इज सेम देन इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यदि किसी श्रेणी में क्रमागत संख्याओं का अनुपात जो होता है वो समान होता है तो वह गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
केवल इसका एप्लीकेशन यहां तक सीमित नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह होता है। तो वहां भी कहीं ना कहीं मैं इन सारी चीजों को यूज करूंगा। बहुत जल्दी जल्दी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हम सीख रहे हैं उसको आप ऐसा मत समझिए कि हम ऐसा सीख क्यों रहे हैं या सवाल एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं और कहां आते हैं कैसे आते हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये जो टॉपिक है एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक उसको बाउंड्री बना के नहीं रखना है, क्योंकि इसका यूज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए कि अगर रेशियो समान होता है कंजिक्यूटिव नंबर्स की सीरीज में, यानी कंजिक्यूटिव नंबर्स में, तो इसको जीपी कहते हैं, यानी समान क्रमागत संख्याओं का जो अनुपात है वो समान है तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2, अगले वाले में आप देखेंगे तो इन दोनों का अनुपात 1:3 का है, इन दोनों का अनुपात 1:3 का है, इन दोनों का अनुपात भी 1:3 का है, अगले और इन दोनों का अनुपात भी 1:3 का है। तो ये जो नंबर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, कौन सा नंबर, इसमें से इसमें गए तो मल्टीप्लाइड बाय 3 के, यही आपका कॉमन रेशियो कहलाता है। 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54, 54 × 3 = 162, ये जो नंबर चल रहे हैं ये सभी जो है कॉमन रेशियो है ये 3। जैसे कि वहां पर कॉमन डिफरेंस था, ये जो नंबर आप मल्टीप्लाई करते गए इस नंबर को क्या कहते हैं, तो हम कॉमन रेशियो कहते हैं। ये कॉमन रेशियो दो तरीके के होते हैं, एक आपका जो एक से बड़ा बनता है, इसमें आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है वो इनफाइनाइट बनता है, यानी इसका कोई अंत नहीं होता। एक जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है जो आर छोटा होता है एक से, ये आपका फाइनाइट सीरीज होता है। ठीक, और इसका आप सम निकाल सकते हैं, सम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सम जो अनंत तक जा रहा है इसका सम नहीं निकाल सकता, इनफाइनाइट होता है। तो इसके सम की भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि कैसे सम निकालना है, उसके ऊपर सवाल भी देखेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है जैसे 243, इसमें आप देखेंगे तो मैंने यहां 3 डिवाइड किया, फिर 3 डिवाइड किया, इस तरीके से डिविजन में चल रहा है। तो पहले वाले का मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा था, ये इनफाइनाइट सम इसका निकाल नहीं पाओगे, लेकिन इसमें जब मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो रहा है, रेशियो आपका 1/3 है, इसका सम आप जरूर निकाल सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज का। ठीक, तो जैसे कि हमने देखा ठीक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ सीरीज का हमारा पैटर्न था, वैसे यहां पर भी है। ए को मैं मान लेता हूं पहला पद, फर्स्ट टर्म, तो अगले टर्म में आप जाओगे तो आर मल्टीप्लाइड था, ए आर बन जाएगा, फिर से आर मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर, फिर से आर मल्टीप्लाई करोगे ए आर क्यूब। तो इस चीज में भी आप देखिए कि पहले वाले टर्म में आर नहीं है, दूसरे वाले टर्म में देखोगे तो एक बार आर है, तीसरे वाले टर्म देखोगे तो 2 बार आर है, चौथे टर्म में देखोगे तो 3 बार आर है। मतलब मैं nth टर्म की बात करूं तो ए तो एक बार रहेगा, और nth टर्म में आर के पावर क्या होगा तो n-1 होगा, यानी एक कम आर रहेगा। क्लियर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे वाले में एक बार आर था, तीसरे वाले में 2 बार यानी एक कम बार, चौथे वाले में उससे एक कम यानी आर क्यूब। तो nवें पद की बात करूं तो ए आर के पावर क्या होगा, n-1, उससे एक कम नंबर ऑफ आर वहां पे मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो अगले टर्म में वही आपको मिलेगा, nवां पद क्या है, ए आर के पावर n-1। ठीक, सम अप टू n टर्म्स, यानी कि यहां जब सम निकालना है तो ये ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इस तरीके से आप ए आर के घात n-1 तक जब जोड़ते हैं तो ये आपका nth टर्म बन जाता है। इसका वैल्यू एक लाइन में आप मुझसे पूछेंगे तो ये है a r के घात n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक, अब सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, जब आप इसको n को इनफाइनाइट टर्म्स तक लेकर जाते हैं तो इसका सम ये बन जाता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका r जो है वो 1 से छोटा हो, ठीक, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में जब r है तभी आप उसका सम इस तरीके से निकाल सकते हैं a डिवाइडेड बाय 1-r, क्योंकि कोई भी नंबर जब 0 से 1 के पावर में 0 से 1 के बीच में होता है और इसके पावर आप इनफाइनाइट लिखते हैं तो ये वैल्यू 0 बन जाता है। ये वैल्यू 0 बन गया तो क्या बचा, -1 a डिवाइडेड बाय r-1 बचा, जिसको रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम सर्च इंडाइसेस में पढ़ चुके हैं, उसी चीज का एप्लीकेशन हो रहा है कि जब 0 से 1 के बीच में r होता है और n जो है वो इनफाइनाइट यानी अनंत तक चल रहा है तो ये जो r के पावर n है वो 0 बन जाएगा, -a/r-1 करोगे तो a/1-r जो है इसका सम निकल के आएगा इनफाइनाइट टर्म्स का। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं, r कॉमन रेशियो है, a फर्स्ट टर्म है,
ठीक, तो इन दोनों का ध्यान रखिए, आर क्या है कॉमन रेशियो, ए क्या है तो पहला टर्म है, ठीक, एन क्या है तो एंथ टर्म है, ठीक। चलिए अब यहां से आते हैं, एक दो सवाल देखते हैं, ठीक। यहां दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी वन है, मतलब ए जो है वो वन बन गया, सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, देन फाइंड द सेवेंथ टर्म। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद एक है, तीसरे तथा पांचवें पद का योगफल अगर 90 है तो ज्ञात करिए कि श्रेणी में का सातवां पद क्या है। तीसरे टर्म की हम बात करें तो a तो 1 हो गया, r के पावर में 2 रहेगा, क्योंकि देखिए n टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a r के पावर n माइनस 1। तो a तो पहली बात सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि a 1 बन गया, तो तीसरे टर्म में क्या होगा तो r स्क्वायर होगा, पांचवें टर्म में क्या होगा r पावर 4 होगा। इसका वैल्यू कितना दिया था, 90 दिया था, 90। अब हीट एंड ट्रायल से आप ही बताइए कि r क्या हो सकता है। r को यदि मैं 4 ले लूं, 4 लूंगा या 5 ले लूं, 5 लेने पर R ये तो 625 बन जाएगा। R को यदि मैं 4 ले लूं तो ये जो है आपका बहुत बड़ा वैल्यू बन जाएगा, 16 का स्क्वायर यानी 256 बन जाएगा, तो और नीचे आना पड़ेगा। R को यदि मैं 3 लेता हूं तब ये बनेगा 9, ये बनेगा 81, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 90। मतलब कि आपका जो R है वो 3 है, A जो है वो 1 है। इतनी आसान सी बात है। अब आपसे 7th टर्म निकाल रहा था, 7th टर्म जो कि हो जाएगा A R के घात 6। A तो आपका 1 है, मतलब 3 के घात 6 निकालना है, जो कि क्या होता है 729 होता है। तो B जो है सवाल का उत्तर होगा, ठीक। समझ में आया कैसे हमने किया, हमने देखा तीसरा टर्म तो R स्क्वायर होगा क्योंकि A 1 है, चौथा पांचवा टर्म R पावर 4 होगा जो कि क्या, क्योंकि A 1 है, और दोनों का योगफल दिया है 90। अब हीट एंड ट्रायल से हम देख रहे हैं कि R का संभव मान 3 ही हो सकता है। देखिए इंटीजर वैल्यू लाना इतना आसान काम नहीं होता, इंटीजर वैल्यू तभी आता है जब वैल्यू यहां पर भी कुछ इंटीजर हो। तो मैंने सोचा कि 5 डाल के देख लेते हैं, 5 डालोगे तो यहां पर 625 आ रहा था जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर फिर मैंने और छोटा किया वैल्यू, 4 डाल के देखा तो 256 प्लस यहां और ज्यादा वैल्यू है, माइनस तो हो नहीं सकता आर स्क्वायर, तो मैं और नीचे आया, 3 डालने पर ये 81 और 9 आ रहा है जो कि यहां पर 90 है। इस तरीके से हमने ए आर निकाला और फिर सातवां टर्म हमने सॉल्व किया। चलिए अब अगला सवाल, वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर बनाइए, यहां पर मैं अभी आपको इसका उत्तर बताऊंगा। सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315 हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5:2, देन फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 315 है, यदि पहला पद तथा सामान्य अनुपात जो है वो आपका 5 और 2 है, तब ज्ञात करें कि गुणोत्तर श्रेणी के आखिरी पद और पदों की संख्या क्या है। तो सबसे पहली बात, सम अप टू एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो है ए आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, जिसमें पहला पद आपका जो है वो है 5, तो ये बन जाएगा 5, ठीक। और अगला वैल्यू जो है रेशियो के पावर एन है, यानी कि 2 के पावर एन है, माइनस का एक, और यहां पे नीचे 2 माइनस 1 है जो कि 1 हो गया फिर से, इसका वैल्यू कितना दिया है तो 315 दिया हुआ है। 5 से इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 63, एक को दूसरे तरफ भेजोगे तो 2 के पावर n बराबर 64 आ जाएगा, और 64 का मतलब है 2 के घात 6, 2 के घात 6 मतलब n बराबर क्या हुआ तो 6 हो गया, नंबर ऑफ टर्म 6 है तो उत्तर तो यही होगा। हालांकि सवाल आपसे पूछ रहा था फाइंड द लास्ट टर्म, तो आखिरी पद भी यहां निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, हम जो फॉर्मूला है सम का उसको यूज करके वैल्यू निकाल रहे हैं, और आखिरी टर्म मतलब 6th टर्म निकालना जो कि हो जाएगा 5 × 2 के घात 5, 2 के घात 5 क्या है 32 × 5 करोगे 160 आएगा, ठीक। इसको निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 6 एक ही था तो आंसर तो वही आ गया था, मैंने केवल आपको सोल्यूशन के तौर पर बताया कि 6th पद निकालना है तो कैसे निकालना है, ठीक। चलिए ये जो सवाल है, इस पैटर्न का सवाल आपके एसएससी में आया हुआ है, ये मेरा खुद का क्रिएटेड सवाल है कि इस तरीके के सवाल को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक। पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन के ऊपर है, आप एक आध मिनट इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए अब यहां देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात, ए क्या है, ए है भाई 3 के पावर 32। बी की बात करते हैं तो बी क्या है, बी का अगर आप देखेंगे तो यहां से स्टार्ट करिए, उल्टे तरीके से देखिए, ये पहला वाला 1 हुआ,
वन होगा ये, प्लस अगला वाला वैल्यू 3 के पावर 1 होगा, फिर 3 का स्क्वायर आएगा, ये कहां तक चल रहा है, तो 3 के पावर 31 तक चल रहा है। तो इसका वैल्यू अगर आप सम निकालेंगे तो पहला टर्म तो 1 हो गया, कॉमन रेशियो आया 3, और क्योंकि 31 तक चल रहा है मतलब कि टर्म तो 32 होंगे, क्योंकि कॉमन रेशियो जो होता है उसके पावर में जितने टर्म चल रहे हैं उससे एक कम चलता है। तो यहां पर आपको लिखना होगा 32 - 1/3 - 1 = 2, ठीक है, 32 है। आखिर वाले टर्म की बात करें तो 5 के पावर 15 तक चल रहा है, और यहां से उल्टा लिखा हुआ है तो 5 के पावर 0 तक, मतलब इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो 5 के पावर 0 1 होता है, फिर 5 के पावर 1 आएगा, फिर 5 के पावर 2 आएगा, और ये कहां तक चल रहा है, तो 5 के पावर 15 तक चल रहा है। तो सी क्या है, सी है 5 के पावर 16 - 1/5 - 1 करोगे तो 4 आएगा, ठीक। अब देखिए इसका कंपैरिजन बताते हैं कैसे होगा, 3 के पावर 32 है, इस 3 के पावर 32 में आपने माइनस का 1 किया, और जैसे ही माइनस का 1 किया तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, और उसका आधा कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं a जो है आपका b से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 के बार 32 किया, 3 के बार 32 माइनस 1 किया और फिर उसका आधा भी किया, तो इस वैल्यू में आप माइनस 1 कर रहे हो तो छोटा हो गया, फिर आधा कर रहे हो तो ये और छोटा हो गया। अब इसमें और इसमें बताइए कैसे कंपैरिजन किया जाए। देखिए यहां आपको पावर में 32 दिख रहा है ना, और यहां पे क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको भी 32 बनाना पड़ेगा। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में क्या सीखा हमने, a के पावर m के पावर जो n होता है इसको हम a के पावर mn लिख सकते हैं, ये हमने सीखा था। तो 3 का स्क्वायर करके 16 लिख सकते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9, 3 का स्क्वायर 9 के पावर 16 और माइनस का 1/2। अब सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए कि 9 और एक कंपैरिजन यहां कर लेते हैं हम, ठीक, छोटे छोटे वैल्यूज से कंपैरिजन चालू करते हैं। 9 जो है वो 5 से बड़ा होता है, क्लियर। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो आएगा 81, और 5 का स्क्वायर करूं तो 25 आएगा। अगर मैं 9 का क्यूब कर दूं, 9 का क्यूब करने पर वैल्यू आएगा 729 और 5 का क्यूब करने पर 125। तो देखिए पहली बार में यहां डिफरेंस 4 का था, अगली बार में ही डिफरेंस जो है वो लगभग 56 के आसपास इसका डिफरेंस पहुंच गया, अगले बार में तो यहां लगभग 600 से ज्यादा का डिफरेंस पहुंच गया, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस के वैल्यू जो है 9 के पावर 16 5 के पावर 16 से बहुत बड़ा होगा, और बहुत बड़ा करने के बाद आप इसमें से -1 कर रहे हो जो कि बहुत ही छोटा वैल्यू, और यहां आप आधा कर रहे हो, यहां तो आप उसका चौथाई कर रहे हो, मतलब ये और छोटा होते चले जा रहा है वैल्यू, मतलब ये वैल्यू इससे बड़ा होगा। तो ए सबसे बड़ा वैल्यू, फिर बी, और सबसे छोटा वैल्यू सी होगा। तो इस वाले में सही जो रिलेशन दिया है वो यहां दिया हुआ है, सी सबसे छोटा, फिर बी, फिर ए, तो बी इस सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से डायरेक्ट सवाल इस तरीके के आपके एग्जाम में बनने की संभावना रखती है, कुछ इनडायरेक्ट सवाल जो है वो मैं अभी आपको यहां बता देता हूं। एक बॉल को हमने थ्रो किया था ग्राउंड पे फ्रॉम अ हाइट ऑफ 450 मीटर्स, द बॉल बाउंस 7/9 times ऑफ इट्स लास्ट बाउंस, द कवर टोटल कवर डिस्टेंस बाय इट अंटिल इट स्टॉप्स, ठीक है। मतलब समझिए, एक गेंद को हम फेंकते हैं किसी ऊंचाई से नीचे की ओर, तो पहले वो 450 मीटर की ऊंचाई से हमने फेंका था, और गेंद की जो उछाल है वो आखिरी उछाल का 7/9 times होती है, तो आपको निकालना है कि रुकने तक ये कुल दूरी कितना तय करेगा। सिंपल सा इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, इसको आप मान लीजिए ये हाइट है h, ये मान लीजिए कि ये r है, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है 2h / 1 - r - h, ये इसका टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला है। कैसे बना उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां से बॉल को छोड़ा तो बॉल नीचे गिरा होगा ऐसा, फिर ये कुछ उछला होगा यहां से ऊपर तक और फिर वापस नीचे गिरा होगा। तो पहली बार अगर आपने इसको h की ऊंचाई से छोड़ा होगा तो अगली बार जो ऊंचाई ये तय करेगा वो h का 7/9 times करेगा, ठीक। अगली बार जो ऊंचाई ये तय करेगा वो h का 7/9 whole square times करेगा h का, और ये छोटा होते चले जाएगा। तो जब सबको आप जोड़ेंगे एक साथ तो कहीं ना कहीं टर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, h प्लस इसको मैं थोड़ी देर के लिए r मान लेता हूं, 7/9 को हटा के इसको r मान लेते हैं, ठीक है, r h टाइम्स यहां पे होगा, इसके अगले वाले में r square h यहां पे बाउंस होगा, r square h,
ठीक है, और ये चलता रहेगा प्रक्रिया, और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो पहली बार एच जंप किया, अगले बार आर एच जंप किया, इसके सॉरी आर एच नहीं, अगली बार जो जंप होती है वो एच प्लस एच होती है, यानी आर का टू एच होता है, टू एच टाइम्स। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। अगले बार फिर से ये एच और एच, यानी कि आर स्क्वायर टू एच टाइम्स होता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है अनंत तक। हर टर्म में 2H, 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 2H है, लेकिन केवल पहले वाले में H है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2H बना दूंगा और माइनस का H यहां पर आखिर में एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो इनफाइनाइट बार टर्म आई, उसी का तो सम ये होता है ना कि फर्स्ट टर्म A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, यही तो देखा था, जिसमें A आपका 2H बन गया और माइनस का H इसलिए क्योंकि पहले हमने H अपने मर्जी से जोड़ा था इस वाले H को 2H बनाने के लिए, और आखिर में एक बार माइनस H करना होगा। तो यही फॉर्मूला है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और ज्यादातर जो आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में, वो इसी प्रकार के बनते हैं, जिसमें कि आपके इनफाइनाइट सीरीज का सम बने। एक दो सवाल और मैं कराऊंगा आपको। 2H फॉर्मूला लगाइए, 2 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/9 करोगे तो नीचे 2/9 आएगा। 2/9 मतलब 2 नीचे, मल्टीप्लीकेशन में उल्टा हो जाता है, 9/2 हो जाता है, माइनस का 450। ठीक, दो दो से कट गया, 450 450, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां 9 बचा, वहां 1 बचा, माइनस का 1 करोगे तो यहां पे 8 आएगा, मतलब 0 0, 50 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 32 प्लस 4 मतलब 36, 3600 जो है उत्तर हो जाएगा। डी सही उत्तर है इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 30 मीटर स्क्वायर, इफ द सीरीज ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर्स आर ड्रॉन such that the sides of the consecutive squares are half of the previous, then find the sum of the area of all the squares. एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 30 मीटर का स्क्वायर है। यदि अनंत वर्गों की एक श्रृंखला इस तरह खींची जाती है कि लगातार वर्गों की जो भुजा है वो पिछले के आधे होती, तो वर्गों के क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन का सवाल है और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी सवाल है, जो कि मेंसुरेशन के फॉर्मूला के बेस्ड है। सबसे पहली बात आप ये बताइए कि वर्ग जो होता है, यानी स्क्वायर होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एक स्क्वायर कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका साइड जो है वो सेम है। इसका जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो अगर आपने एक और वर्ग बनाया जिसका इसके साइज का साइड का आधा है, तो ये a by 2 हो जाएगा, ये भी a by 2 हो जाएगा, ये भी a by 2 बन जाएगा, ये भी a by 2। तो एरिया में क्या होगा, एरिया में आप जानते हैं a square और a square का 2 हो जाएगा, मतलब इसका एरिया जो होगा वो a square by 4 बन जाएगा। मतलब क्योंकि हमने यहां पर भुजा को आधा किया तो एरिया जो था वो 1/4 हो गया। इसके बाद फिर अगला वाला जो स्क्वायर बनेगा वो a by 4 बन जाएगा, मतलब जो एरिया होगा वो a square का बटा 16 बन जाएगा। मतलब हमसे ये पूछ रहा था इनका एरिया का सम बताइए। तो पहले वाले का एरिया 30 था, यहां से समझिए कि पहला वाला जो वर्ग बनेगा उसका अगर एरिया 30 था तो अगले वाले का 30 का 1/4 हो जाएगा, इसके बाद वाले का 30 का 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से चलते रहेगा मामला। तो सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, ए यानी पहला पार्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, पहला पद डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, मतलब जो सम है वो बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 होता है 3/4, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 और यहां पे 4 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 10, यानी कितना हो जाएगा 40। ठीक, 40 यानी कि बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब छोटी सी बात जो हमें यहां पर सीखनी है हार्मोनिक मीन की, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन की। ठीक है, ये हालांकि सवाल जो है हार्मोनिक मीन जो है आपका इनइक्वालिटी में आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके इससे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपका इसका सवाल एक है, एवरेज स्पीड का जो बनता है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का माध्य जब हमें निकालना है तो वो कुछ इस तरीके से लिखता है। ज्योमेट्रिक मीन जो है nth रूट जो होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पहला पद दूसरा पद इस तरीके से nth पद।
अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, तो ये एवरेज के जैसे होता है, t1 प्लस t2 प्लस tn तक जाओगे और बटे में n कर लोगे, ये आपका अर्थमेटिक मीन इस तरीके से निकलता है। और हार्मोनिक मीन की हम बात करें तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, ये निकलता है जस्ट इसके ऑपोजिट से, यानी 1n डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन जो होगा, ठीक है, ये 1/t1 हो जाएगा, 1/t2 हो जाएगा, प्लस 1/t3 इस तरीके से चलता रहेगा 1/tn तक, ठीक। तो ये हार्मोनिक मीन होता है। कहीं ना कहीं जो स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, जिसमें बराबर बराबर दूरी पर बराबर बराबर अलग अलग स्पीड से हम चल रहे हैं, यानी कि पहले सपोज करिए कि कोई व्यक्ति ऑफिस से घर जाता है या घर से ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर प्रति घर की किलोमीटर की स्पीड से और वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की स्पीड से, तो यहां पर जो स्पीड होता है वो इसी फॉर्मूले से निकलता है, 2s1s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। तो ये हार्मोनिक मीन बन जाता है उस केस में। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। यहां बस मुझे जो कवर करना बात है वो ये है कि जब हम दो पदों की बात करें, टू टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, सपोज करते हैं एक नंबर ले लेते हैं 4, दूसरा ले लेते हैं 9, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म है और 4 × 9 जो कि हो गया 6। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 4 + 9 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 13/2, 13/2, ठीक। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2, 1/4 + 1/9, मतलब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36, और ऊपर आपका आ जाएगा 13, मतलब हार्मोनिक मीन कुल मिला के कितना हुआ, तो 72/13 हो गया, ठीक, 72/13। तो पहली बात यह है कि जब हम दो टर्म की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो स्क्वायर होता है, जो कि क्या है, 6 का स्क्वायर यहां पे आया 36, बराबर होता है अर्थमेटिक मीन इंटू ज्योमेट्रिक मीन का। अर्थमेटिक मीन हमने निकाला था 13/2, हार्मोनिक मीन हमने निकाला कितना, तो 72/13। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, यहां पे भी 36, यहां पे भी 36। तो पहला रिलेशन ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में। सेकेंड रिलेशन ये कहता है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा या उसके बराबर होगा, हार्मोनिक मीन से हमेशा बड़ा या उससे बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन। देख लीजिए इसका वैल्यू कितना है, तो 6.5 है, इसका वैल्यू कितना है, तो 6 है, और आखिर वाले का वैल्यू कितना है, 6 से थोड़ा कम है, 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि छोटा है, क्योंकि अगर 78 होता तभी तो वहां पे 6 हो सकता था, ये थोड़ा सा छोटा है उससे, ठीक। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है और हार्मोनिक मीन से भी बड़ा होता है ज्योमेट्रिक। इक्वल कब होता है, तो जब सारी चीज हम इक्वल ले लें तब इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट से मैं यहां पर वीडियो को रोकता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी है जिसका रिलेशन आगे कभी हमें यूज हो सकता है मैक्सिमम मिनिमा में। अब इस वीडियो को यहां रोकते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप SSC CHSL का प्रोग्राम हमारे साथ पढ़ रहे हैं और अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस होता जा रहा है, प्रैक्टिस शीट भी आपको वीकली प्रोवाइड कराई जा रही है, तो क्यों हम यहाँ पे कंजूसी करें शेयर करने के लिए, जो कि जरूरतमंद लोग हैं, जहाँ पे आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं और अच्छा कंटेंट, बेहतर कंटेंट के साथ, ठीक है, जो आपके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए जा रहे हैं उस कंटेंट्स के साथ हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप शेयर करिए, पहुंचाइए लोगों तक। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।